आपने अनेकों कावड़ यात्राएं देखी होंगी, परंतु आज हम आपको एक ऐसी कावड़ यात्रा दिखाने जा रहे हैं जहां छोटी सी जगह से 2000 कावड़िया देखने को मिल रहे हैं, जिसमें छोटे बच्चों, महिलाओं एवं पुरुषों ने कावड़ यात्रा में भाग लिया और इस कावड़ यात्रा में हिंदू मुस्लिम एकता की अनोखी दास्तान देखने को मिली। सावन के चौथे सोमवार को भक्त प्रहलाद की नगरी एरस से गुड़सराय एवं गरौठा तक कावड़ यात्रा में सैकड़ों कावड़िया बेतवा नदी से जल भरकर भीमाशंकर मंदिर गुड़सराय एवं प्राचीन शिव मंदिर गरौठा पहुंचे। कावड़ यात्रा में छोटे बच्चों द्वारा 25 किलोमीटर तक कंधे पर कावड़ रखकर पैदल चलना एवं एक भक्त टोली द्वारा 100 किलो और 55 किलो की कावड़ लेकर चलना आकर्षण का केंद्र बना रहा। कावड़ यात्रा में सैकड़ों महिलाएं और बच्चे भी जल लेकर पैदल आई। एरच एवं गुड़सराय एसओ ने अपनी अहम भूमिका निभाई, पुलिस बल के साथ अपनी अपनी सीमा में कावड़ियों के साथ पैदल चलकर अपना फर्ज निभाया। वहीं गुड़सराय से गरौठा के बीच गरौठा थाने की पुलिस का नदारद होने के पश्चात गरौठा नगर के अंदर सक्रिय होना आश्चर्यजनक लगा। श्वेता साहू उप जिलाधिकारी गरौठा एवं अरुण चौरसिया सीओ गरौठा एरच में व्यवस्थाओं की कमान स्वयं संभाले नजर आए। कार्यक्रम में बुंदेलखंड के मिनी योगी दिलीप नाथ भी मौजूद रहे। अधिक गर्मी के कारण कई कावड़ियों के पैरों में छाले पड़ गए, जिसकी वजह से गुड़सराय कमेटी द्वारा पट्टी बांधी गई और कपड़े से बने जूते भी पैरों में बांधकर यात्रा करनी पड़ी। गुड़सराय के मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कावड़ियों का भव्य स्वागत कर समाज में एकता की मिसाल कायम की। एरस से गरौठा तक ग्रामवासियों, समाज सेवियों ने जगह जगह कावड़ियों का नाना प्रकार के स्टॉल लगाकर स्वागत किया। एरस चेयरमैन और समाज सेवियों ने जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। ये कावड़ यात्रा में आप कावड़ कितने साल से ले रही हैं? 5 साल से ले रहे हैं। आपको किसने प्रेरणा दी इसकी? या मैं संकट प्रेरणा दी भीमा शंकर गुड़सराय से। अच्छा, तो आप कितने किलोमीटर चलती हैं? 21 किलोमीटर की यात्रा करते हैं। कितनी देर में पहुंच जाती हैं? 4 घंटे में। क्या कार्यक्रम है, कितने लोगों आने की संभावना है? ये जो है श्री भक्त प्रहलाद जी की नगरी है एरच, जहाँ भगवान विष्णु के 3-3 अवतार हुए हैं। प्रहलाद जी की जन्म स्थली है, होली पर्व की उद्गम स्थली है, ये वास्तविक जो तीर्थ स्थली उसकी महत्व है और आज जाके साकार रूप में आपको दिख रहा है, क्योंकि हमारे गुड़सराय क्षेत्र से चल करके आदरणीय सुरेंद्र व्यास जी के कहले के उनके नेतृत्व में या उनके संयोजन में जितने भी श्रद्धेय कांवरिया हैं वो सब आज इस तीर्थ स्थली में आकर के परम पवित्र माँ बेतवा जी से जल भर करके गुड़सराय में भीमा शंकर भोलेनाथ पर जल चढ़ाने का ये जो आज पवित्र कार्य हो रहा है श्रावण मास के महीने में, ये इस प्रहलाद जी की नगरी की वास्तविकता को दर्शा रहा है और इस क्षेत्र में जो धार्मिक महत्व है उसका भी ये भव्य रूप में प्रदर्शन आप देख सकते हैं कि पुरुषों के साथ इस बार बच्चे और माता बहनों की भी जो संख्या देखी जा रही है ये कहीं ना कहीं इस धार्मिक स्थली के महत्व को दर्शा रही है और गुड़सराय सहित पूरे क्षेत्र के श्रद्धेय कांवरिया जो इस प्रहलाद जी की नगरी में आए हैं पूरे नगर की ओर से उन सभी को वंदन, उन सभी का अभिनंदन। आज यहाँ कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है, क्या व्यवस्था है, किस तरीके से कार्यक्रम होता है? यह सावन मास का आज चौथा सोमवार है और चौथे सोमवार को यहाँ क्षेत्र के अधिकांश गांवों से गुड़सराय गरौठा से तमाम से भक्त श्रद्धालु कांवड़ियों के रूप में यहाँ पर आके कलयुक्ति गंगा माँ वेदवंती से जल भरकर भोले बाबा जी का जलाभिषेक करते हैं और इसके लिए नगर पंचायती राज की ओर से साफ सफाई और तमाम उनकी श्रद्धाओं की व्यवस्था की गई। Tarot reading and Vedic astrology, the only link between the beauty of past and the mystery of future. हमारे यहाँ सभी प्रकार के धार्मिक कार्य श्री सत्यनारायण पूजा, नवग्रह पूजन, वास्तु पूजन, श्री दुर्गा सप्तशती पाठ, सुंदरकांड, अखंड रामायण, महामृत्युंजय जाप, गणेश याग, गरुड़ पुराण, रुद्राभिषेक इत्यादि शास्त्रोक्त विधि से कराए जाते हैं। फोन नंबर है 9140127622, 7307954382।